आने वाला हफ्ता भारतीय ऑटो बाजार के लिए बड़ा होने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रविवार यानी कि 21 अप्रैल को मस्क भारत पहुंच सकते हैं और 22 अप्रैल यानी कि सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी। बता दें कि एलोन मस्क का ये पहला भारतीय दौरा है और भारत में पहली बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो भारत में निवेश के साथ कई बड़े ऐलान कर सकते हैं और इन सब में सबसे बड़ा ऐलान टेस्ला की एंट्री को लेकर हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल 3 के साथ टेस्ला की भारत में एंट्री होगी। हाल ही में भारत सरकार ने नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें विदेशी कंपनियों के लिए नई ईवी पॉलिसी जारी की थी। इस पॉलिसी के तहत विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की शर्त पर ही भारत में एंट्री ले सकती है। अगर भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कंपनियों को कस्टम ड्यूटी पर छूट का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली और कर्नाटक में शोरूम के लिए बातचीत फिलहाल एडवांस स्टेज में है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों में से ही किसी एक शहर में टेस्ला अपना शोरूम भी खोल ले। इसके अलावा भारत में टेस्ला करीब 3000 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकती है। ऑटो कंपनियों के अलावा एलोन मस्क आईटी और स्पेस स्टार्टअप सेक्टर में भी निवेश की स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। भारत मंडपम में स्टार्टअप के साथ बैठक हो सकती है जहां मस्क भारत में निवेश का रोड मैप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा ईवी कार के साथ कंपोनेंट मेकर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश पर चर्चा हो सकती है।